उसने कहा कि वो उसके बाप से मिलकर फौरन रुखसती की दरख्वास्त करेगा, लेकिन समझदार चश्मानिया ने उसे दलीलों से कायल करके उसे इस इरादे से बाज रखा और जब वो सैर से वापस आए तो शहजादा पुरसुकून था। चश्मानिया अपनी कामयाबी पर खुश थी। चश्मानिया अपनी सहेली से शहजादे से अपनी मुलाकात का हाल बयान करती थी। आज की मुलाकात की तफसील सुनकर उसकी सहेली शहजादे की बेचैनी पर खूब हंसी। चश्मानिया और शहजादे पारस खान के दरमियान और तल्ख और शीरी गुफ्तगू के चौथे रोज शहजादे का मंगवाया हुआ तमाम सामान शिमाल से आ गया। उसने सिर्फ 20 गाड़ियां मंगवाई थीं, लेकिन मुशफ्फिक बाप ने 40 गाड़ियां भेज दी थीं। इसी तरह घोड़ों और ऊंटों की तादाद में भी इजाफा कर दिया था। शादी और रुखसती के लिए भी खाकान ने बहुत सा सामान भेजा और शहजादे को ताकीद कर दी थी कि बीवी को शानदार तरीके से रुखसत कराए और उसका डोला पूरी शान और शौकत और शाहाना अंदाज से जुलूस की सूरत में खाकान के मुस्तकर तक लाया जाए। सामान के साथ खाकान ने 100 मजीद सवारों को भी रवाना किया था, क्योंकि शहजादे के कासिद ने चश्मानिया के इलाके की जिस जगह निशानदही की थी वही सरहदी पट्टी थी और खाकान के ख्याल में वही मुतनाज़े इलाका था। नीले और सफेद गौल के खाकान उर्स खान का मर्तबा तो कतमश जैसे इलाकाई हाकिम से बहुत बुलंद था, लेकिन तुकतमश और मुगलों के खाकान आजम में करीबी रिश्तेदारी होने की वजह से तुकतमश किसी को खातिर में नहीं लाता था और उर्स खान से हमसरी का दावा करता था। चश्मानिया के बाप की एक माह की मुद्दत खत्म होने में एक हफ्ते से भी कम अरसा बाकी रह गया था, इसलिए जब शहजादे ने चश्मानिया की कीमत अदा करने की पेशकश की तो चश्मानिया के बाप ने बिला तकल्लुफ उसे कबूल कर लिया और शिमाल से आने वाला सामान उसके हवाले कर दिया। बज़ाहिर अब शादी में कोई चीज माने नहीं थी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पड़ाव में खुशी के शादियाने बजने लगे। चश्मानिया को इस सामान में सबसे ज्यादा घोड़े पसंद आए। ये घोड़े निहायत आला नस्ल के थे। इस नस्ल के घोड़े रफ्तार के लिहाज से तेज तरीन समझे जाते थे। हर घोड़ा नए साज से आरास्ता था। चश्मानिया एक अच्छी शहसवार थी। ये फन भी उसने दिल लगाकर सीखा था। उसने अपनी खास सवारी के लिए एक घोड़ा पसंद किया और इस घोड़े पर सवार होकर वो शहजादे पारस खान के साथ सैर के लिए जाया करती। मशहूर है कि तकदीर न चाहे तो तदबीर की तमाम कोशिशें धरी रह जाती हैं। चश्मानिया की रुखसती में सिर्फ चंद दिन बाकी थे कि एक नया फितना उठ खड़ा हुआ। शहजादे को इस पड़ाव पर ठहरे हुए एक महीना होने वाला था। खाकान और उसके बेटे का 500 सवारों के साथ सरहदी इलाके में इतने तवील अरसे तक पड़ाव डाले रखना ऐसा न था कि जिसे क्रीमिया के हाकिम तो कतमिश को खबर न पहुंचती। खबर देने वाले ने अपनी कारकर्दगी के इजहार के लिए इस इत्तला में खूब नमक मिर्च लगाया और तुकतमश को बता दिया कि शहजादे पारस ने क्रीमिया के सरहदी इलाके में एक बड़े कले पर कब्जा कर लिया है और वो क्रीमिया में मजीद इलाकों पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। तुकतमश तो शिमाली खाकान के पहले ही खिलाफ था। इस खबर को सुनकर वो भड़क उठा और फौरन 2000 का लश्कर तैयार करके सरहद की तरफ चल पड़ा। तो कतमश 2000 सवारों के साथ जिस वक्त शहजादे के पड़ाव के सामने खैमा जन हुआ तो मुगल खाना बदोशों के खैमों में तहलका मच गया। सबको अपनी अपनी जानों की फिक्र पड़ गई। शादी की पुरकैफ और खुशगवार फजा पर जंग के बादल मंडला गए और शादियानों की आवाज की बजाय जंगी बिगल का इंतजार होने लगा। तो कतमश को वहाँ पहुँचते ही शहजादे और चश्मानिया के होने वाली शादी की पूरी तफसील मालूम हुई। उसने एक कासिद के जरिए शहजादे को इत्तला भेजी कि उसने क्रीमिया में दाखिल होकर माहिदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए शहजादे के लिए बेहतर यही है कि वो फौरन क्रीमिया की हदूद से बाहर निकल जाए। शहजादा इस लश्कर को देखकर पहले ही घबराया हुआ था। उसने कोई सख्त जवाब देने की बजाय नर्म रवैया अख्तियार किया और जवाब में सिर्फ ये लिखवाया कि उसे इल्म नहीं था कि ये इलाका क्रीमिया की हदूद में है, वरना वो यहाँ हरगिज न ठहरता। उसके कासिद ने तुकतमश से ये दरखास्त की कि उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो चश्मानिया से शादी करा के उसे रुखसत करा सके। तुकतमश तो शहजादे को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। उसे मालूम हो गया था कि शहजादे के साथ सिर्फ 500 सवार हैं, इसलिए उसने फौरन चश्मानिया के बाप को अपने खेमे में तलब किया और उसे चश्मानिया की कीमत से दुगना सामान अदा करने की पेशकश की। चश्मानिया का बाप लालची होने के अलावा गुर्गे 12 दीदा था। वो समझ गया कि इनकार की सूरत में तुकतमश जबरदस्ती चश्मानिया को हासिल कर लेगा, इसलिए उसने तुकतमश की पेशकश बगैर हीलो हुज्जत तस्लीम कर ली और तुकतमश के हुक्म पर पड़ाव में जाकर ये ऐलान कर दिया कि उसने शहजादे पारस के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मनसूख करके तुकतमश के साथ उसका रिश्ता मंजूर कर लिया है।
क्योंकि तुकतमिश ने चश्मानिया की कीमत दुगनी कर दी है। शहजादे ने ये ऐलान सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अपने मुल्क से दूर था, इसलिए इस सिलसिले में वो तुकतमिश का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे ये भी इल्म हो गया कि ये हरकत तुकतमिश ने उसे जिक देने के लिए की है। उसका दिल टूट गया। फिर एक आखिरी कोशिश के तौर पर उसने एक बड़ा अजीब और कतई दानिशमंदाना कदम उठाया। इन बातों में तमाम दिन गुजर गया था। शाम होते ही शहजादा घोड़े पर सवार हुआ। उसके साथियों ने ख्याल किया कि शायद वो चश्मानिया के बाप से मिलने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी कोई फिक्र ना की। शहजादे ने अपने घोड़े का रुख चश्मानिया के खेमे की तरफ किया। वो उसके खेमे के करीब भी पहुंच गया, लेकिन उसने ये देखा कि चश्मानिया के खेमे पर तुकतमिश के मुसल्ला सवार पहरा दे रहे हैं, तो उसने अपना घोड़ा रोककर कुछ देर के लिए सोचा, फिर घोड़ा घुमाकर तुकतमिश के पड़ाव की तरफ चल पड़ा। पता नहीं ये शहजादे पारिस की गैर मामूली जुर्रत थी या उसकी बेपना मोहब्बत जो उसे दुश्मन के खेमे की तरफ कुशा कशां लिए जा रही थी, मगर उसके इस इकदाम को मसलहत या मोहब्बत का नाम हरगिज नहीं दिया जा सकता। तुकतमिश को जब शहजादे पारस खान के अपने खेमे पर तनहा और बेधड़क आने की इत्तला पहुंचाई गई तो वो घबरा गया और उसने दिल ही दिल में शहजादे की जुर्रत की दाद भी दी। तुकतमिश कुछ ऐसा मुतासिर और मरूब हुआ कि दिल न चाहने के बावजूद उसने खेमे से निकलकर उसका इस्तकबाल किया और अपने साथ लेकर खेमे में वापस आया। उसने उसे अपने साथ ही बिठा लिया। शहजादे पारस को तो दिल की लगी हुई थी। उसने बगैर किसी तमहीद के माजरताना लहजे में कहना शुरू किया, ए हाकमे करीमिया, शहजादा तुकतमिश, मैं आपके पास माजरत पेश करने आया हूँ। शहजादे पारस, तुकतमिश मुस्कुराया। आपकी जबान से माजरत का लफ्ज सुनकर ताज्जुब सा होता है। मुगलों की रिवायत है कि वो किसी से माजरत की बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मैं आपको एक बहादुर जवान समझता था, लेकिन आप तो मेरे सामने मुजरिम की तरह हाजिर हुए हैं, और आपको मालूम है मुगल अपने मुजरिम को माफ नहीं किया करते। तो कतमिश ने शहजादे को बुजदिली का ताना दिया था और साफ अल्फाज में मुजरिम कहा था, लेकिन शहजादे ने दलेरी का सबूत दिया और जिल्लत की परवाह न करते हुए नरमी से बोला, मुअज्जज तो कतमिश, मेरे ख्याल में उसे बहादुर हरगिज नहीं कहा जा सकता जो अपनी भूल या गलती को सही साबित करने के लिए तलवार का सहारा ले। यकीनन ये मेरी गलती थी कि मैं बगैर तहकीक के करीमिया के इलाके में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी नीयत नेक थी। शहजादे पारस, तुकतमिश एकदम तेज हो गया। किसी के इलाके में 500 से ज्यादा सवारों को लेकर नहायत खामोशी के साथ दाखिल होना, इसे भूल तो उस वक्त कहा जा सकता था जब आप गलती का एहसास लेकर फौरन वापस चले जाते, लेकिन क्या आपने हमारी तलवारों को जंग आलूद समझ लिया है कि एक माह से मेरे इलाके में रंगरलियां मना रहे हैं? नहीं मोहतरम तुकतमिश, शहजादे पारस ने गुस्से को पूरी सख्ती से दबाते हुए कहा, मैंने शराफत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। चश्मानिया को मैंने बाकायदा कीमत अदा करके खरीदा है, इसे रंगरलियों का नाम नहीं दिया जा सकता। बस शहजादे खामोश हो जाइए, तो कतमश कब्जा शमशीर पर हाथ रखते हुए बोला, चश्मानिया का नाम आप ना लीजिए, उसका रिश्ता मुझसे तय हो चुका है। मोहतरम तो कतमश, शहजादे पारस का लहजा जरा तेज हुआ, मैं नहीं चाहता कि एक औरत के लिए बदमजगी पैदा हो। चश्मानिया को पहले मैंने खरीदा है और उसकी कीमत अदा कर दी है। मैं इस सिलसिले में शहजादे तुकतमिश से भी दरखास्त करने पर आमादा हुआ हूँ। चश्मानिया और मेरे दरमियान जीने मरने के अहदो पैमान हो चुके हैं, इसलिए अब आप बराहे करम हमारे दरमियान न आइए और अपना दावा वापस ले लीजिए। ये आपका मुझ पर ऐसा एहसान होगा जिसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकूंगा। शहजादे पारस ने मिन्नत खुशामद का अंदाज इख्तियार किया था और अपनी मोहब्बत का हवाला भी दिया था, लेकिन तुकतमिश का दिल न पसीजा। वो पहले जैसा तल्ख लहजे में बोला, शहजादे पारस, चश्मानिया बिकाऊ माल है, जो बड़ी बोली देगा उसकी वो कनीज बन जाएगी। मैंने दुगनी कीमत दी है, उस पर मेरा हक है, मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ऐ हाकमे करीमिया, आप ये तो गौर करें कि चश्मानिया पहले ही फरोख्त हो चुकी है, उसके बाप ने मुझसे उसकी कीमत वसूल कर ली है। पारस ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, चश्मानिया के बाप को कीमत वसूल करने के बाद उसे दोबारा फरोख्त करने का कोई हक नहीं। हक क्यों नहीं शहजादे पारस, तो कतमश गुर्राया, चश्मानिया के फरोख्त की मुद्दत एक माह मुकर्रर हुई थी, मैंने मुद्दत खत्म होने से दो दिन पेशतर उसका सौदा कर लिया है, उसका बाप बाइख्तियार है। शहजादा पारस भी आखिर मुगल था, उसकी रगों में भी नीले और सफेद गौल के खाकान का खून दौड़ रहा था। आखिर कहां तक जब्त करता, उसे भी गुस्सा आ गया और तलखी से बोला, हकमे करीमिया, आप अपने 2000 सवारों के जोर पर मुझे मरूब करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि मैं खुद चलकर आपके पास आया हूँ, हालांकि मैं खाकान शर्क व गरब का वली अहद हूँ। अगर चश्मानिया की कीमत बढ़ाकर उसे हासिल करना है तो मैं आपसे 4 गुनी कीमत देकर उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तो रफे शर के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना चश्मानिया पर मेरा पहला हक है। और पारस, तुकतमिश ने चीख कर उसकी बात काट दी।
तुम 4 गुना कीमत दे सकते हो तो मैं 8 गुना कीमत की बोली देता हूँ। मैं न तुमसे डरता हूँ और न तुम्हारे खाकान से डरता हूँ। तुम्हारे बाप ने तो मेरा इलाका दबा रखा है। अगर तहकीक करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे नीले और सफेद गाल में मेरे मुगलों की तादाद सबसे ज्यादा है। पारस के तन बदन में आग लग गई। तुकतमिश की इस बेहुदा गुफ्तगु से वो इस कदर चिरागपा हुआ कि बेसाख्ता उसका हाथ भी अपनी तलवार पर आ गया। तुकतमिश उस पर नजरें जमाए हुए था। उसने भी खुद को मुदाफियत और हमले के लिए तैयार कर लिया। शहजादा पारस को फौरन वक्त की नजाकत का एहसास हो गया। उसने तलवार से हाथ हटा लिया और नरमे से बोला, हाकिम करीमिया, इस तरह कीमत बढ़ाने से सिवाय चश्मानिया के लालची बाप के और किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन कौन फैसला करेगा कि किसकी कीमत ज्यादा है और वो इसे अदा भी कर सकता है? इसका फैसला बहुत आसान है शहजादे। तो कतमिश ने हल्का सा लेकिन खौफनाक कहकहा लगाया। वो आसान फैसला बयान कीजिए, शायद वो मुझे भी काबिल तस्लीम हो। शहजादे ने भी एहतराम और शराफत का दामन ना छोड़ा। उसका लहजा गुस्से से पाक था। बहादुरों का हर अहम फैसला तलवार की नोक से हुआ करता है। तो कतमिश ने जानों पर रखी तलवार को जरा सा बुलंद किया। तलवार खींचो, अभी फैसला हो जाएगा। हाँ हाकिम करीमिया, आपने दुरुस्त फरमाया है, शहजादा बड़े पुरसुकून लहजे में बोला। बेशक बहादुर इसी तरह अपने जाती मामलात निपटाया करते हैं, लेकिन सोचना यह है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। जाहिर है कि हम दोनों में से एक मारा जाएगा। अगर आप मेरे हाथ से कत्ल हुए तो ये मुगलों के अजीम बहादुर सरदार की मौत होगी, जिसके लिए मैं कतई तैयार नहीं। अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ हजारों का खून बहेगा। मेरा बाप उर्स खान पूरे क्रीमिया को रौंद के रख देगा। मुगलों का कोई गौल आपकी हिमायत में नहीं निकलेगा और आपको खुद अपनी सरजमीन पर किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी। पारस, तुम अपनी बुजदिली का जवाब दलीलों में तलाश कर रहे हो और मुझे आपकी नाअकबत अंदेशी का शिकवा है। शहजादे पारस को यकीन हो गया कि तुकतमिश किसी तौर पर भी मुसालिहत पर आमादा नहीं, और अगर उससे ज्यादा बहस की गई तो सिवाय बदमजगी के और कुछ हासिल ना होगा। वो अपनी जगह से उठा और खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, उम्मीद है कि हाकिम करीमिया इस नागवार मुलाकात को भूलने की कोशिश करेंगे और अपनी तलवार को किसी के खून से आलूदा करने के लिए महफूज रखेंगे। लेकिन मुझे लेकिन की जरूरत नहीं मौजूद तुकतमिश, शहजादे ने उसकी बात काट दी। मैं आपसे मजीद कोई माजरत नहीं करना चाहता और ना किसी रियायत का खाहा हूँ। मैंने अपने मकाम से नीचे आकर आपसे दरखास्त की और कुछ मुराद का ख्वाहिशमंद हुआ, लेकिन आपने मेरी हर बात और हर दलील रद्द कर दी। इसलिए मेरी दूरअंदेशी मुझे मजबूर करती है कि मैं सुबह को पहली किरण फूटते ही आपका इलाका छोड़कर वापस चला जाऊँ। ठीक है, तो कतमश ने गुरूर से गर्दन अकड़ा ली, मैं सुबह को अपने इलाके में तुम्हारा कोई आदमी देखना नहीं चाहता। तुम्हें सिर्फ आज रात की मोहलत दी जा सकती है। हकमे करीमिया मुतमईन रहे, शहजादे ने लापरवाही से कहा, मैंने जो जबान से कहा है उसे पूरा करूंगा। सुनो पारस खान, एक और बात जहन नशीन कर लो, तुकतमिश ने आवाज देकर कहा। शहजादा पारस खैमे के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने पलटकर तुकतमिश को देखा और तंजिया लहजे में बोला, कोई और नया हुक्म हो तो वो भी सुना दीजिए, मैं उसे भी बसरो चश्म बजा लाऊंगा। हुक्म नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई की बात है, तुकतमिश ने जवाब दिया। अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में चश्मानिया का जरा सा भी ख्याल हो तो उसे खुरच कर फेंक दो। अगर उसे हासिल करने की कोशिश की तो नुकसान उठाओगे। शायद तुम नहीं जानते कि मैं अपने दुश्मनों को बख्शा नहीं करता। कुदरत का भी क्या निराला निजाम है। शहजादा मुस्कुराया, आप दुश्मन को बख्शा नहीं करते और मैं दुश्मनों को माफ कर देने का आदी हूँ। चश्मानिया के सिलसिले में यही कहा जा सकता है कि एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से मोहब्बत की भीख मांगी, मगर दूसरा शहजादा उसकी खाली झोली भर ना सका। आपने खुद फरमाया है कि बहादुरों का हर अहम फैसला तलवार से हुआ करता है। अगर चश्मानिया की ख्वाहिश हुई तो आप तलवार मेरे हाथ में देखेंगे। शहजादा पारस चला गया और तुकतमिश इस अजीबोगरीब दुश्मन के बारे में सोचने लगा। पहले तो उसे यही ख्याल हुआ कि शहजादा पारस बुजदिल है, लेकिन शहजादे ने नर्म लहजे में जिस तरह उसके जवाब दिए थे वो उसकी शजाअत और बहादुरी का खुला हुआ सबूत था। यहाँ तक कि शहजादे ने चश्मानिया का नाम भी लिया था, जिससे साफ जाहिर था कि वो निचला नहीं बैठेगा और अपनी तौहीन का बदला लेने आएगा। लेकिन उसने शहजादे की दलेरी को फिर भी तस्लीम ना किया। उसने खैमे के हिलते हुए पर्दे पर नफरत से नजर डाली और फिर एक जोरदार कहकह बुलंद कर दिया, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो या फिर अपनी कामयाबी पर नाजा हो। हकमे करीमिया तुकतमिश के आने से मुगल खैमों में पहले ही हलचल मच गई थी। शहजादा पारस वहाँ मौजूद था। उसके पास लश्कर तो न था, लेकिन 500 सवार भी बहुत होते हैं। फिर जब तुकतमिश ने पारस के करीब खैमे लगाए तो पड़ाव एक मैदान जंग की सूरत अख्तियार कर गया। शहजादा पारस और हाकिम करीमिया के दरमियान नामा व प्याम भी जंगी नौयत के हुए। फिर जब चश्मानिया को तुकतमिश ने तलब किया तो ये बात मशहूर हो गई कि पारस खान और तुकतमिश में हश्मानिया के लिए झगड़ा हो रहा है। खैमा नशीन मुगलों का अंदाजा ठीक ही था।
तो कतमश ने चश्मानिया के बाप को मजबूर कर दिया था कि वो चश्मानिया का फैसला उसके हक में करे। हालांकि शहजादे ने मतलूबा चीजें भी उसके हवाले कर दी थीं और तोकतमश ने सिर्फ जबानी कहा था, लेकिन जो कहा जाता है कि बंधा हुआ मार खाता है, यही बात चश्मानिया के बात पर सादिक आई। उसने देखा कि चश्मानिया तो हाथ से जाती ही साथ ही में पूरे कबीले पर आफत आ जाती। शहजादे पारस से उसने चीजें ले ली थी, घर आई हुई चीजों की वापसी का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए उसने तोकतमश की जबानी कीमत मंजूर कर ली और उसके हुक्म पर पारस से रिश्ता तोड़कर तोकतमश से रिश्ता जोड़ लिया। चश्मानिया के बाप की इस अहद शिकनी को कबीले के बाज गयूर और समझदार लोगों ने पसंद ना किया, लेकिन तोकतमश के चुंगल से फंसे हुए थे। हालात ये भी जाहिर कर रहे थे कि अगर पारस और तोकतमश में जंग होती है तो तोकतमश का पल्ला भारी रहेगा। इन बातों को सोचते हुए चश्मानिया के बाप को किसी ने ना तो टोका और ना मुखालफत की, लेकिन इस अमल से गरीब चश्मानिया पर कयामत गुजर गई। चश्मानिया एक सीधी सादी लड़की थी, वो एक अच्छी रक्कासा भी थी, लेकिन उसका रक्स आम तौर से खानाबदोशों तक महदूद रहा। वो ना पढ़ी लिखी थी और ना ही महलों की परवरदा थी। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह अलहड़ और अनपढ़ थीं। चश्मानिया ने लैला व कैस और शीनी व फरहाद के किस्से कभी भी तरतीब से न सुने थे कि इश्क व मोहब्बत को यूं समझती और महसूस करती। उसने तो बस शहजादे पारस को घोड़े से उतरते देखा था। शहजादा उसे अच्छा लगा, रिश्ता तय हुआ और वो शहजादे पारस के साथ घूमने फिरने लगी। उसने अब तक ना तो इश्क की चोट खाई थी और ना ही इस मंजिल से गुजरी थी, लेकिन जब तोकतमश के हुक्म से उसके खेमे पर पहरा लग गया और उसके बाप ने शहजादा पारस से मिलने से सख्ती से मना कर दिया, तो उसके दिल में मोहब्बत की आग यकदम भड़क उठी और उसे पहली बार मालूम हुआ कि इश्क का दर्द कैसा होता है और फिराक कैसे कहते हैं। चश्मानिया की बहुत कम सहेलियाँ थी, उनमें से भी सिर्फ यासू ऐसी थी जिस पर वो एतमाद करके उसे अपना राजदार बना सकती थी। यासू को भी चश्मानिया से बहुत प्यार था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसे चश्मानिया से इश्क था। उसने चश्मानिया को कपड़े पहनाकर शहजादे पारस से मिलाने ले गई, वरना उसकी बात सहेलियां तो इस खबर पर हसद करने लगी थी कि चश्मानिया को देखने के लिए खाकाने शर्को करब के बेटे ने तलब किया है। अब क्या होगा यासू? चश्मानिया यासू को खेमे में दाखिल होते देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई और आहें भरने लगी। यासू ने उसे परे हटाते हुए कहा, सीधी होकर बैठो चश्मानिया, इस तरह टसवे बहाने से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ पता भी है कि बाहर क्या हुआ है? यासू का लहजा इतना सख्त था कि चश्मानिया सहम कर दूर जा बैठी, फिर अफसरदगी से बोली कि हाँ मुझे मालूम है, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता शहजादे से तोड़ दिया है। सिर्फ रिश्ता तोड़ा ही नहीं बल्कि तेरा रिश्ता करीमिया के हाकिम से जोड़ने का ऐलान भी किया है। यासू ने कहा, हाँ मैंने भी ये सुना है, जबी से तो परेशान हूँ। चश्मानिया ने सिसकी ली, मैं तेरे पास आने वाली थी लेकिन अब तो मुझे बाहर निकलने से डर लगता है, मेरे पास तू आ भी नहीं सकती थी। यासू कुछ नर्म पड़ गई, बाहर जांग कर देख, तुझे खेमे में कैद कर दिया गया है, तू बाहर नहीं निकल सकती। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? चश्मानिया ने घबरा कर पूछा। क्रीमिया के सरदार का मैंने क्या बिगाड़ा है? वो तुझे अपनी कनीज समझने लगा है, यासू मुंह बनाकर बोली। बड़ा आया है सरदार बनकर, एक कोड़ी अदा नहीं की और खामखा तेरा मालिक बन गया है। मैंने उसे देखा है, शक्ल से पूरा बंदर लगता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चश्मानिया ने हकलाते हुए कहा। मैंने शहजादे से वादा किया है मैं उसके लिए जिंदा रहूंगी। और क्या तुझे वाकई शहजादे से इतनी मोहब्बत है? यासू ने संजीदगी से पूछा। हाँ यासू, चश्मानिया संभल कर बोली, अगर किसी और ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे कत्ल कर दूंगी। तुझमें इतना हौसला है भी? यासू ने तंज किया। यासू तू देख लेना, मैं जान से गुजर जाऊंगी लेकिन सिवाय शहजादे के और किसी का मुंह नहीं देखूंगी, चश्मानिया ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से कहा। चश्मानिया, अगर तुझे शहजादे से वाकई मोहब्बत है और तुझमें हौसला भी है तो ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि बाहर क्या कुछ हुआ है और क्या होने वाला है। यासू ने एक लंबा सांस लिया। चश्मानिया हमदन गोश होकर बैठ गई। क्रीमिया के हाकिम ने यहाँ पहुँचते ही तेरे बाप को बुलवा भेजा, यासू ने कहना शुरू किया। उसने हुक्म दिया कि तेरी निस्बत शहजादे पारस से तोड़कर उससे करा दी जाए। तेरा बाप लालच में आ गया, शहजादे से तेरा रिश्ता खत्म कर दिया और दूसरी तरफ उसने शहजादे पारस को एक आदमी के जरिए हुक्म दिया कि वो फौरन ये इलाका खाली करके वापस अपनी हुकूमत में चला जाए। शहजादे और हाकिम करीमा के दरमियान देर तक पैगाम आते जाते रहे हैं। ये तो पता नहीं कि क्या फैसला हुआ, लेकिन इस दौरान तेरे खेमे पर पहरा लग गया और तेरे बाप को दूसरी जगह कैद कर दिया गया। मैं इन्हीं हालात की टो में थी इसलिए तेरे पास नहीं आ सकी। अब जो आई हूँ तो इस पहरेदार से एक घंटा जग जग करके मैंने खूब सुनाई है। कहता था इस खेमे में तो चश्मानिया का बाप भी नहीं जा सकता, मगर मैं भी यासू हूँ, मैं आके रही और अब हर वक्त आती जाती रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा। चश्मानिया दम बखुद बैठी सुन रही थी। यासू सांस लेने के लिए रुकी तो उसने पूछा, कुछ शहजादे के बारे में भी मालूम हुआ? वो क्या कहते हैं? वो भी शायद तेरी तरह परेशान है। यासू मुस्कुराई। वो परेशान होकर तेरे पास आया था। मेरे पास? चश्मानिया घबरा कर बोली। नहीं, तुझे धोखा हुआ है यासू, यहाँ तो सुबह से कोई भी नहीं आया। तुझे पता नहीं चश्मानिया? यासू ने बताया,
शहजादा जब करीमिया के हाकिम की बातों से मायूस हुआ तो घोड़े पर सवार होकर तेरे खेमे पर आया था, लेकिन तेरे खेमे पर पहरा देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और घोड़ा मोड़कर करीमिया के हाकिम के पास चला गया। किसके पास? चश्मानिया परेशान हो गई। क्या शहजादे हाकिम करीमिया के पास गए हैं? हाँ हाँ, उसी बंदर के पास गए थे, यासू ने जवाब दिया। मैं खेमे के करीब ही खड़ी करीमिया के सवारों से बातें कर रही थी। शहजादे जब करीमिया के हाकिम से मुलाकात करके वापस आए तो थके थके और परेशान दिखाई दे रहे थे।